स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ टेटनेस के बारे में। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा खास है और खासतौर से हम पेरेंट्स के लिए, हम माओं के लिए तो बहुत ज्यादा खास है। तो इसलिए प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे सबके साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी जान सके कि हम टेटनेस से कैसे बच सकते हैं और कैसे पता करें कि हमें टेटनेस हुआ है या नहीं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि हमें कैसे पता लग सकता है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें या हमारे बच्चे को टेटनेस हुआ है या नहीं, और किन चीजों के लगने से टेटनेस होता है, क्या क्या इसके लक्षण हैं और कब हमें टेटनेस का टीका लगवाना चाहिए। यही सब चीजें मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो बच्चे सभी शरारतें करते हैं, लेकिन भगवान न करे कभी किसी बच्चे को चोट लगे। और बच्चे शरारतें और मस्ती करते ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भी कभी किसी बच्चे को अचानक चोट लग जाती है तो हम माएं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे सेव करें, कैसे उस चोट से मतलब जल्दी निजात दिलाएं, कैसे उस चोट को ठीक करें। और हमें ये भी डर होता है कि कहीं बच्चे को टेटनेस तो नहीं हो गया। तो कैसे पता करें कि हमारे बच्चे को टेटनेस हुआ है या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि टेटनेस होता क्या है। टेटनस नर्व सिस्टम का एक गंभीर रोग है। यह कैलोस्टोडियम टेटिनाई नाम के जीवाणु से फैलता है जो मिट्टी, खाद या धूल में पाए जाते हैं। ये जीवाणु जख्म के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इससे शरीर की मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं और फिर सिकुड़ने लगती हैं। इससे श्वास प्रणाली की मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। समय रहते इलाज न कराया जाए तो ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। सिर्फ गंभीर चोट ही नहीं बल्कि हल्की सी खरोंच के जरिए भी टेटनेस जो होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, इसलिए इसे सीरियसली लें। तो चलिए जानते हैं कि टेटनेस है या नहीं, ये कैसे जाने। चोट लगने के बाद हल्का बुखार आए तो सावधान होने की जरूरत है। स्थिति में शरीर में दर्द और मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है। बार बार पेशाब आना भी टेटनेस का संकेत होता है। मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से मरीज की पेशाब और मल को रोकने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। टेटनस होने पर जबड़ा भी जाम होने लगता है। गंभीर अवस्था में सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब बात करते हैं कि अगर टेटनस हो गया है तो क्या करें। टेटनस होने पर सामान्य रूप से घावों को साफ करके मृत टिश्यू को निकाला जाता है। इसके अलावा जबड़ा जाम होने, दौरे पड़ने या मांसपेशियां अकड़ने लगी हो तो एंटीबायोटिक्स, रेस्पिरेटरी केयर और वेंटिलेशन से उपचार किया जाता है। पीड़ित को अंधेरे या कम रोशनी में तथा शोर शराबे वाली जगहों से दूर रखा जाता है। और अब बात करते हैं कि कब जरूरी है टेटनस का टीका, कि हमें टेटनस का टीका किन हालात में लगवाना चाहिए। टेटनस से बचने के लिए टीका लगवाना बहुत जरूरी है। ये दो स्थितियों में लगता है, पहला बचपन में टीकाकरण और दूसरा चोट लगने पर बचाव के लिए लगवाया हुआ टीका। जिन लोगों ने बचपन में टीका नहीं लगवाया है उन्हें टेटनस सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आमतौर पर बचपन में ही डिप्थीरिया, टेटनस, टॉक्साइट, एस्यूलियर, पेटियोसिस टीके के रूप में दी जाती है, जिसे डीटीपी कहा जाता है। यह बच्चों को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 15 से 18 महीने और 4 से 6 साल में लगाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं किससे हमें खतरा होता है टेटनस का। मिट्टी, कीचड़ या किसी गंदगी में लगी छोटी सी खरोच नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और टीका और उपचार जरूर करवाएं। और टिप नंबर 2 है, किसी जंग, लोहे के औजार, छुरी, बागवानी के दौरान खुरपी आदि से लगे गहरे या हल्के घाव, कील या किसी भी धातु से बनी चीजों से लगे घाव से आपको खतरा हो सकता है और टेटनस होने का खतरा हो सकता है। और टिप नंबर 3 यहाँ पर है, चोट लगने के अलावा भी कुछ स्थितियां टेटनस के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे फोड़े, फुंसी, जलने का घाव, सर्जरी आदि के बाद भी संक्रमण, जानवरों के काटने पर घाव और कान में इन्फेक्शन आदि हो जाता है। तो घाव को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और जरूरत पड़ने पर टेटनस का टीका जरूर लगवाएं। और अब बात करते हैं कि क्या एक बार का टेटनस टीका काफी होता है, यानी कि अगर हम बचपन में टीका लगवा लेते हैं तो क्या वो काफी है। सिर्फ एक बार का टीका काफी नहीं है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यदि बचपन में टीका लगा चुके हैं तो अब चोट लगने पर टीके की जरूरत नहीं पड़ती, पर ऐसा नहीं है। किसी भी तरह की चोट लगने पर इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए। टीका लगवाने के 5 से 10 साल के बाद भी टीका लगवाना चाहिए, यह बहुत जरूरी होता है और तभी टेटनस से बचा जा सकता है। वहीं चोट लगने के 48 घंटे के भीतर इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए ताकि आपको टेटनस जो है पूरी बॉडी में ना फैले और बहुत ज्यादा टेटनस होने का खतरा ना हो। ये थे मेरी कुछ ऐसे टेटनस के टिप्स जो कि आपको बता सकते हैं कि हमें कब टेटनस हुआ है और कब हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए।
तो देखा आपने दोस्तों कि कितना हेल्पफुल था आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपको पसंद आया हो और आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे सबके साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।